पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है दैट इफ देर इज ए चार्ज पार्टिकल एज ए पॉइंट चार्ज देन द पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इज 1/4πε0 क्यू अपॉन आर. This is potential at distance r, and because it is a scalar quantity, it has no direction. It is stored at a particular place. Okay, something more about potential. What is meant by a potential point? If at any location there is a potential, let us say 220 volt, what does it mean? It means so many things. We can have comparison with so many things, like there is a spring, we compress the spring. Here is a spring and we compress it up to this point and it becomes like this. Here we have spent the energy equal to 50 joules. 50. If I compress it more, I can compress it up to this level and I have to use the energy 100 joule. So what I say, this location has potential of 50 volt. 50 volt. I have done work in joule. So 50 volt is what? 50 volt is the energy if I place 1 coulomb charge here. This is, if I place 1 coulomb charge here, how much energy it gets? 100 joule. यहाँ पर मैंने एक ये 50 volt है और ये 100 volt. ये potential का measurement है. So potential and energy, they are related to each other. Potential is characteristic of that location and energy is the characteristic of that particular charge which we place here. जब हम चार्ज को प्लेस करेंगे तो उसके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी. अदरवाइज ये उस लोकेशन का पोटेंशियल कहलाएगा. ओके, नाउ यहां पर आप दोनों में किस चीज का डिफरेंस देख रहे हैं? एक और चीज का हम डिफरेंस देख रहे हैं, दैट इज टेंशन. इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा लो टेंशन और इसके लिए वर्ड यूज करूंगा हाई टेंशन. अगर मैंने उसको और दबा दिया और 3000 जूल एनर्जी खर्च करके एक नया पॉइंट ले आया तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 3000 वोल्ट, दैट इज हाई टेंशन. अब यहां पर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं, उसके बदले में सोचिए चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को. एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक ऑब्जेक्ट में ऐसे डाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आया तो पहला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करता है, तो मैंने ऐसे एनर्जी वेस अपनी एनर्जी खर्च की, वर्क किया और इसको प्रेस कर दिया. और इलेक्ट्रॉन लेके आया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, आई हैव टू वर्क मोर, और ज्यादा खर्च किया, इसमें डाल दिया, चौथा पांचवा, 100,000 इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो गए. अब इन एक इलेक्ट्रॉन की क्या ताकत है? दे कैन रिपेल एनी वन इलेक्ट्रॉन विद ए फुल फोर्स. मैंने यहां पर ऐसे उंगली रखी, इसने क्या किया, 100,000 इलेक्ट्रॉन ने मिलके मेरी उंगली के एक इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया, रिपेल. कितनी ताकत से? 100,000 इलेक्ट्रॉन की ताकत से. और इतनी तेजी से इसको गया कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा भाग के गया अर्थ की तरफ. तो मेरा रिएक्शन क्या था? शॉक लगा मुझे. मैंने क्या कहा? मुझे शॉक लगा. ठीक है, दूसरी जगह मैं गया, वहां जाकर ऐसे हाथ रखा, कुछ नहीं हुआ. क्यों? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रेस करके नहीं रखा गया था, तो वहां के इलेक्ट्रॉन्स टेंशन में नहीं थे. तीसरी जगह मैं गया, वहां पर जाकर जब मैं एक पॉइंट को हाथ देता हूं, मैं नहीं दूंगा उसको, क्योंकि जो उसको हाथ देता है इतनी जोर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कि वो आदमी पूरा जल जाता है.
तो मैं कहूंगा इसमें तो बहुत ही ज्यादा टेंशन है. कितना टेंशन है? 3000 वोल्ट, 30000 वोल्ट, 11000 वोल्ट. आपने देखा घर के बाहर जो HT लाइंस होती हैं, हाई टेंशन लाइंस, उसके नीचे बोर्ड लगा रहता है, बीवेयर ऑफ 11000 वोल्ट. बाहर जो आपने बड़े बड़े टॉवर देखे हैं, 30000 वोल्ट. दैट इज द टेंशन. कौन उसमें ये टेंशन डालता है, कौन इतना वर्क करता है, कौन एनर्जी देता है? अवर पावर हाउस. पावर हाउस के जो जनरेटर लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को दबा रहे हैं. यहां से दबाते चले जाते हैं, दबाते चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होता है. ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे इकट्ठे दब गए, उनमें आपस में रिपल्शन होने लगा, दैट इज द टेंशन डेवलप. एंड व्हाट वी से इन फिजिक्स इलेक्ट्रिकल, वी से इट्स पोटेंशियल हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो पोटेंशियल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो गई? बहुत सारा टेंशन. सो टेंशन ऑल्सो वी आर यूजिंग फॉर पोटेंशियल. और उसमें एक स्प्रिंग जैसे ताकत आ गई कि वो पुश करेगा, धक्का लगाएगा, दैट इज पोटेंशियल. पुश करने की ताकत आ गई. तीसरा, जब हम उसको पुश करना अलाउ करेंगे तो वो हमको बहुत सी एनर्जी भी देगा. जैसे खिलौने वाले केस में, अगर हमने ये स्प्रिंग को इतना दबाया और एक यहां गोली लगा दी, ये गन शॉट, और जैसे हम यहां से ट्रिगर दबाएंगे ये यहां से छूटेगा और ऐसे जाकर दूर गिरा 5 मीटर. इतनी एनर्जी इसके पास थी कि इसने कितनी दूर फेंका? 5. एंड नाउ यू नो कि अगर यहां हम गन लगाकर यहां ट्रिगर दबाएंगे, ये इसको ऐसे जाकर छोड़ेगा, तो ये कितनी दूर जाकर गिरेगा? 10 मीटर. तो इसको ज्यादा एनर्जी मिली. ये 100 वोल्ट पे था और ये 50 वोल्ट पे था. तो एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट से जब निकलेगा उसके पास एनर्जी कम होगी, 100 वोल्ट से निकलेगा एनर्जी ज्यादा होगी. ये इसके पोटेंशियल के प्रैक्टिकल मीनिंग है. टेंशन वर्ड हम यूज करेंगे, हाई एनर्जी यूज करेंगे, हाई पोटेंशियल यूज करेंगे, ऑल आर हैविंग द सेम मीनिंग. मोर एनर्जी, मोर प्रेशर, मोर रिपल्शन, दैट इज पोटेंशियल. ठीक है, ओके. नाउ दिस पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू व्हाट? वी हैव सीन, जब हम चार्जेस को एक जगह इकट्ठा करते हैं, नॉर्मली उसको इतना दूर रहना चाहिए था चार्जेस को, हम और चार्जेस लेके आए और हमने अपनी एनर्जी खर्च करके उनको ऐसा नजदीक कर दिया. अब रिपल्शन के कारण इसमें टेंशन डेवलप हो गया और हमने जो इसका वर्क किया उसी का मेजरमेंट पोटेंशियल है. इसका ये मतलब है, वेन एवर वी गिव चार्ज टू ए बॉडी, एडिशनल चार्ज टू ए बॉडी, इट्स पोटेंशियल इंक्रीज. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल? चार्ज. व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल? चार्ज. वेन एवर वी गिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू ए बॉडी, इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज. Charge is increased source of potential. If we give charge to a body, its potential increase. But earlier I said that due to charge, potential of every location around it increases. If I give charge to this shell, this is a conducting shell, I give charge to it, it gets distributed. Lot of energy has been given to bring the charges here. All that energy have put it under tension, and what has increased potential. Now, this is a point P. Is this point having any potential? इस question का क्या मतलब है? इस question का ये मतलब है, if I put a charge particle here, will it carry any energy? Will it gain any energy if I put it here? If it gain energy, then I will say this point has a potential. और अगर उसमें कोई energy नहीं आएगी, then it has no potential. ठीक. तो इसको जब हम charge देते हैं, we know there will be potential. We have done it in the previous classes.
कि एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट के पास पोटेंशियल होता है कितना, जैसे ही हम इंफिनिटी से चार्ज को लाएंगे वहां तक लाने में जितना वर्क करेंगे दैट वर्क इज मेजरमेंट ऑफ इट्स पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर भी अगर हम इंफिनिटी से चार्ज लाएंगे और चार्ज लाकर यहां पर रोकेंगे देखेंगे हमने कितना वर्क किया, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी इट्स पोटेंशियल ड्यू टू शेल। एंड नाउ व्हाट वी सी इज दैट ऑल दीज चार्जेस आर रिपेलिंग अवर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड देयर नेट इफेक्ट इज सेम एज इफ दिस होल चार्ज क्यू इज लाइंग एट द सेंटर। पॉइंट चार्ज, अगर ये पूरा चार्ज क्यू यहां हो और यहां पर फैला हो, इन बोथ द केसेस द वर्क डन टू दिस पॉइंट इज सेम बिकॉज दिस वी हैव लर्नड अर्लियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरह से बिहेव करता है, रेडियल आउटवर्ड एज इफ द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। सेम थिंग इज फॉर द पोटेंशियल, एज इफ द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड हियर देन व्हाट शुड बी पोटेंशियल हियर। दिस इज द पोटेंशियल हियर, दैट्स ऑल। So we don't need to do the whole derivation once again. We simply do it with that analogy that all the charge is supposed to be placed at the center. ठीक, ये हो गया। Otherwise इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए सब के लिए हम infinity से लाएंगे, सबको integrate करेंगे, that will be a complex situation. इसलिए हम लोगों ने ये shortcut लगाया, ये आ गया। Now ये अभी जो point है ये कहाँ है, outside shell. Now we take the point on the surface. How is the electric field now? Answer, still electric field is same, yes, radially outward, as if all these are placed at the center. With the same analogy we will say the potential here still has the same value. So but there will be a little change, that is this will be q upon 4 pi epsilon naught and this r has got the new value, that is r, because r we are measuring from the center. So 4 pi epsilon naught r, ye humko mil gaya potential surface par. Okay, there is not much change to the point charge. Ab actual jo cheez aapko samajhni hai, if there is a point inside, there is a point inside, what should be the potential here? Yeah. This is the distance r. This r is smaller than radius. What should be potential here? Okay. What is our basic definition of potential? We bring a point charge from infinity. Whatever work is done up to certain point, that is potential of that point. We bring it closer, the work is increasing, the potential is increasing. Potential increase, 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 because r is decreasing, potential goes on increasing, we reach up to the surface, the potential has become maximum. Now we go inside, do we work more? अंदर पुश करने में हमको और काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विल वी हैव टू वर्क? से यू विल से ओके लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज वर्क डन,
force into displacement. We know that work done is this. In electrical system, due to charges, there is a force of repulsion between the two. And what is that force? That force, we have one formula, Q into E into dr. Now, in the previous lecture, we have done the moment we enter inside, how much is E? Very good. How much E inside? Zero. If this E is zero, then how much is the work done? So, here we start from infinity. We are doing the work 20, 40, 60, 80, 100. So, what is volt here? 100 volt. We have done 100 joule work and voltage here is 100. Now we go here. How much more work is done? Zero. How much is the total work? 100 or zero? 100. यहां से यहां तक हमने 100 किया, additional zero किया. तो total work कितना हुआ? 100. So what will be the potential? Zero or 100? 100. 100. तो इसका potential कितना है? 100. इसका कितना है? 100. 100. 100. 100. 100. Everywhere, because inside no work is done, electric field is zero. कहीं भी आप ले जाइए. लेकिन अंदर आने के लिए तो हम पहले work कर चुके हैं. That work is potential, और वो potential तो उतना है. So dW is zero, therefore V inside is equal to V on surface plus zero. So V inside is equal to V on surface, and we get here V inside is equal to, same thing, V on the surface, this. Yeah. And at every point it is same. If it is same at every point, what we can write is constant. Right? Achha. ये जो चीज आपने लिखी है, इसको हम एक तरह से और बता सकते हैं. That is, okay, ये alternate देखिए. We know that dV by dr is equal to E. If E is zero, अगर E zero है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? आंसर है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है. डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का. तो d by dr जीरो है. किसका? v का. सो व्हाट इज कांस्टेंट? v इज कांस्टेंट. ये समझ आया? जैसे d by dx ऑफ c कांस्टेंट इज जीरो, d by dr ऑफ v इज जीरो. सो V is constant with respect to R. With respect to R, V is constant. Yani, aap R ko badaliye, V ko koi effect nahi padega. To V har jagah kaisa hai? Same. Aur kitna? Jitna yahan par, utna yahan, utna yahan, utna yahan. Because this potential we have already achieved. Therefore, inside everywhere, potential is constant. ये चीज आपको याद रखनी है. ओके, अब बाहर से अंदर तक हम आते हैं. हाउ डज पोटेंशियल चेंज? पोटेंशियल आर, और ये हम किसके लिए बना रहे हैं? फॉर कंडक्टिंग शेल. ये जो r डिस्टेंस है, दिस इज सेंटर, हियर r इज जीरो, दिस इज सरफेस, हियर r इज इक्वल टू r, एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस इज सरफेस. नाउ आउटसाइड 1 अपॉन r,
V is 1 upon R. How is the graph of 1 upon R? If R is small, V is large. If R goes on increasing, voltage goes on decreasing. If R is infinite, V is 0. It, from infinite, it come towards 0. The potential goes on increasing up to which point? Surface. It goes on increasing, and what is this graph represents? Right? After this, we go inside. What happens to this value? This value decrease, increase, or remain constant? Constant. So if we come to 0, the same height is here, same height is here, same voltage up to center, same voltage, join it. This is the graph for what? Potential and distance in case of a charged shell. Sphere of charge means what? It is a non-conducting sphere. और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज ऐसे भरा होता है ये. अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? इज इट क्यू, लैम्डा, सिग्मा, रो, व्हाट? यस, व्हाट इज दैट? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक. सो चार्ज डेंसिटी. And what type of density it is? Volumetric. Charge density rho. और अगर इसको हमने total charge Q दिया है, Q, then what is the relation between Q and rho? Rho multiplied by volume is equal to total charge. This is the relation. Okay, now there is a point. From center, it has a distance r. This is the point, a distance r from the center. Now, what should be potential at this point? Okay. Case 1, P is outside. If P is outside, this whole charges will be taken as point charge placed at the center, and there will be no change in that case. And we will have here V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square, only r. This is our formula for point charge, and this is formula for sphere charge if point P is outside. Theek hai? Now, if we reduce this r, isko chota karte jayenge, we are coming towards surface and we reach here, and how much is this distance? Capital R. Then on the surface, how much it will come to? P on surface, then V on surface is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r. Same as shell and as this. No change. Now, the change will occur when we go inside. Now, just logically, can you think, if we go from surface to inside carrying a positive charge, will we have to do the work or we will not have to do the work? Pardon? Is there electric field inside? No. Okay, so first thing you should remember, there is electric field inside. पिछली बार हमने किया है ये. गॉसियन सरफेस से करते हैं,
कहीं भी गॉसियन सरफेस बनाइए, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर नहीं है तो नहीं है। यहां पर शेल के केस में हमने यहां पर गॉसियन सरफेस बनाई, ये हाउ मच इज द चार्ज इनसाइड, जीरो, बिकॉज ऑल द चार्जेस आर आउटसाइड। सो इन केस ऑफ शेल इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वी कैलकुलेटेड इट। नाउ इन केस ऑफ दिस, wherever you draw a Gaussian surface, this, there is some charge inside the surface. हर जगह है, इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन। सो इफ वी आर स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, वी स्टिल हैव टू डू वर्क। मतलब यहां से इंफिनिटी से हम चलकर आए, इंफिनिटी से चलकर आए हैं, वी कीप ऑन डूइंग वर्क, कीप ऑन डूइंग वर्क, कीप ऑन डूइंग वर्क। हियर वी रीच द वर्क डन ऑन यूनिट चार्जेस पोटेंशियल ऑन द सरफेस। नाउ इफ वी गो इनसाइड, वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्टिल वी आर डूइंग, सो व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल? इट विल इंक्रीज। So in a charged sphere, the potential goes on increasing even if we go inside. और अंदर जाते जाएंगे, ये we have to do the work, do the work, do the work, do the work, do the work. It will go on increasing up to center. Center से दूर अगर जाएंगे, फिर हम यहां से वापस आ रहे हैं, work done will keep on decreasing. क्यों? ये देखिए, ये यहां से यहां तक आए तो किधर चार्जेस ज्यादा थे? When we are here, the charges on this side are more repelling. We have to do the work. We are here, the charges on this side are more keep on repelling. जैसे हम सेंटर लाइन क्रॉस करते हैं, चार्ज किधर ज्यादा हो जाते हैं? इस तरफ। We don't have to do any work. वो खुद ही पुश करके हमको बाहर निकाल देते। तो जब हम बाहर जाते हैं, then we are doing a negative work. पोटेंशियल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, यहां से पोटेंशियल कीप ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सरफेस पे आ गई। सो हियर अवर पोटेंशियल इज जीरो, हियर इट इज 50 एग्जाम्पल, हियर इट कम्स टू 100, इट विल बी 110, 120, 130. नाउ व्हाट विल बी हियर? 120, 110, 100, 50. समझ आ गया? सो द पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन द अदर साइड। ओके, देन ऑन वन साइड हाउ इट विल बी? सी, वी आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, सो फ्रॉम इंफिनिटी द पोटेंशियल वॉज जीरो एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू विच वैल्यू? Up to which place? Up to surface. Suppose this point represents the radius r and this is r. So to make a correct graph, let us say this is r, this distance is r. From here it will come like this, not from this zero point, remember, because zero is at infinity. So we bring it here like this, surface, and at surface still goes on increasing up to center. This is center. This is how it happens in the sphere. So this is V, R, and this is for sphere of charge. So
So this way you have learnt it. So you got these two graphs again, correct? This is V versus R for shell, this is V versus R for sphere, and this value is for what? Surface, right? At the radius. And if you are going inside, it goes on increasing. So you must remember these two graphs for potential. Similarly, we had done two graphs for electric field. Pehle electric field ke liye bhi kiya hai. वो आपको याद रखने हैं, वो कैसे कैसे थे. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शेल कैसा होता है? इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन सडनली बिकम जीरो. ये क्या था? ई आर फॉर शेल. स्फीयर के लिए कैसा था? ई goes on increasing up to surface. What happens inside the surface? It still goes on increasing. Sure? No. It went on decreasing. फिर से देखिए Gaussian surface here. अंदर में कितना चार्ज है? Q. और छोटा Gaussian surface, अंदर का चार्ज कैसा हो गया? छोटा हो गया. उसके अंदर और छोटा हो गया. यू हैड द एक्सप्रेशन, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट. एंड आई रिमाइंड यू व्हाट वी गॉट इज दिस. याद आया? द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू सरफेस एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग इन ए स्ट्रेट लाइन. हियर दिस इज ई आर फॉर चार्ज स्फीयर. And this place is R. This is 0, 0. Here, E is proportionate to 1 upon R square. Here, E is proportionate to R. Simple R. So, R goes on decreasing, E goes on decreasing. Hai, peeche sabke paas hai. Theek hai. So, what I want to show is, see, this shape, that shape, this shape and this shape. All four shapes are different. आपके examination में क्या आता है? ये चारों shape आती है. And they ask you, out of this, which is the shape for V versus R for shell? और अगर आपको चारों clear cut याद नहीं है, you can't answer at that time. And at that time, during examination, you are under panic. तो उस समय this should be very clear to you, confident कि हर एक में कैसा कैसा दिखता है. आउटसाइड तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, वेदर इट इज 1/r और 1/r², द डिफरेंस इज ओनली इनसाइड. ऑल फोर आर डिफरेंट, करेक्ट? तो कौन, जब हम इसके अंदर आते हैं तो पोटेंशियल कितना होगा? ये कहां पर था? आउट. ये कहां पर है? सरफेस. व्हेन वी कम इनसाइड तो कितना होगा? बाकी सबके हमने इनसाइड पढ़े, तो स्फीयर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट डूइंग इट. उसके लिए आपको अलग लेक्चर देखना पड़ेगा. बट यू कैन मोस्टली यू कैन गो फॉर इट्स एक्सप्रेशन. इवन एक्सप्रेशन इज नॉट इन द सिलेबस, बट जस्ट फॉर एंथुजियाज्म यू कैन नोट डाउन दैट दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज देयर, एंड क्यू अपॉन टू आर ब्रैकेट थ्री माइनस आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a uniformly charged sphere. What is this R and what is this R? If this is the point, then this is small r
and this length is radius of the sphere. What is this Q? Total charge given. तो ये किसकी terms में हमने बनाया? Total charge given. अगर हम चाहें तो इस Q को अगर इस format में रख देंगे तो ठीक है, फिर ये किस में convert हो जाएगा? Yes, rho में convert हो जाएगा. वैसा भी कर सकते हैं, उसमें यहाँ R cube आएगा, R cube, ये R उससे cancel होगा, 4 pi भी cancel हो जाएगा, and this will have another format. वो किसका format होगा? Rho वाला format. But you have one expression that it is like this. ठीक है, तो ये आपके दोनों के expression हो गए. In case of shell, this is outside, out, surface, inside. This is the graph. In case of sphere, outside, on the surface, inside. और ये उसका ग्राफ हो गया. ओके, नाउ वी गो टू द स्ट्रेट कंडक्टर. देयर इज अ पॉइंट P एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द कंडक्टर वी आर कंसिडरिंग इज L. देन द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर इज lambda. So lambda, L and D, these are the given quantities. What should be potential here? This is potential at this point. This is 1 upon 4 pi epsilon naught lambda. Ye to wahi aa gaya expression jo hamara kya tha, q upon 1 upon 4 pi epsilon naught. Ye to utna hi hai. Yahan par humko log kiska karna hai, ye puri quantity. Aur isme kaun kaun hai? L aur D. So this is expression for straight line. Okay, then we have another shape, and that shape is a very special shape. There is a disc. This disc is having charge. So this is a charged surface. From this center, this is perpendicular axis. At this axis, we go to a distance z. Okay? And this point is P. The radius of this disc is R. And surface charge density, हमारे पास इसके लिए क्या sign है? Sigma. And this potential, note it down, this potential is sigma upon 2 epsilon naught and root z square plus r square minus z. This is the formula for potential. Okay, the last three formulas you have written, that is formula for disk, formula for line charge, and formula for sphere inside. These three are not mentioned in NCERT, so we suppose these are not in CBSC. So aap chahe to isko yaad karna skip kar sakte, but for competitive exam you must do it, right?
वहां तो ये भी हो सकता है कि अगर आप आईआईटी का एडवांस देंगे देन यू शुड सी लेक्चर हाउ वी डिराइव इट. डिराइव करने के पीछे सबके पीछे एक ही स्टेप है, वी फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू और उसका फॉर्मूला क्या है 1/4πε0dq/r. ये वाला जो पोटेंशियल निकलता है इसको कैसे इंटीग्रेट करके ये वाले फॉर्मेट में लाना है, दैट इज ए मैथमेटिकल स्टेप. वो हम एक बार इंटीग्रेट इसके लिए करते हैं, एक बार इसके लिए करते हैं, एक बार उसके लिए करते हैं एंड वी गेट डिफरेंट एक्सप्रेशंस. पर सबके बेस में पहला स्टेप सबका क्या है, डी वी इज इक्वल टू 1/4πε0dq/r. ठीक है ना, उससे करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, पर अभी आपको उसकी जरूरत नहीं. ओके, सो दीज वेयर पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट शेप्स एंड नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज पोटेंशियल.